जलंधर पठानकोट चौक पर स्थित दो फ्रूट की दुकानों को भीषण आग लग गई। दुकानों को आग लगने की सूचना मिलते ही पीसीआर पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और उन्होंने फायर ब्रिगेड को फोन किया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। वहीं फ्रूट के दुकान मालिकों ने बताया कि रंजिश के तहत किसी ने उनकी दुकान को आग लगा दी है। उनकी दो दुकानें थी जो जलकर पूरी तरह से राख हो गई हैं। इसी के साथ उनका 1,00,000 रुपए का भी नुकसान हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सर, हमारा फ्रूट का आड़ा है, यहाँ अपने दुकान हमने चांद से बंद करके घर चले गए थे। उसके बाद से हमको फोन किया कि आग लगी हुई है ना, तो हम दौड़े दौड़े आए तो हमारा सारा कुछ जल गया। मौके पर पुलिस की गाड़ी भी मौजूद थी, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां भी आई। हमारा कम से कम 1,00,000 रुपया का 2 दुकानें थी, 1,00,000 रुपये का सामान गल कर रखा। तो आपकी कहाँ दुकान थी? पठानकोट बाईपास चौक में मेट्रो मार्ग के सामने। आग का कारण पता चला आपको? कारण तो कोई पता नहीं चला, लेकिन रंजिश के चलते कोई लगाया होगा। ऐसे ही आजकल कोई मतलब कि कोई जानकर लगा दिया होगा, ऐसे तो लगा नहीं। तो कितना नुकसान हो गया आपका? नुकसान हमारा कल भी सर 2 हटिया दोनों मिलाकर 1,00,000 रुपये का नुकसान। कितनी दुकानों को आग लगी है? 2 दुकान मिली है, एक हदवाना तरबूजा की, एक फ्रूट की, फॉर्चून सारा आइटम जो रहा था। तो दोनों आपकी है दुकान? दोनों हमारी दुकान। मेरा नाम जसप्रीत सिंह है, पठानकोट चौंक लागे असी बाबा दीप सिंह नगर घर है मेरा। मैं पठानकोट चौंक तो आ रहा सी, मैं देखा इतने अग लगी हुई है। फिर असी फायर ब्रिगेड वालों ते पुलिस वालों नू फोन किया, फायर ब्रिगेड दी भी गड्डियां आ गई तिन्ने, हजे भी अग लगी हुई है, बुझाते पे वो सारे जने। ये भी नुकसान उस बंदे का बहुत हो गया, 2 वड्डे सीगे उहदे। ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ? ਇਹ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਭਾਜੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਤੀਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਗ ਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਵੀ ਜਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਏਐਸਆਈ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, 15 ਨੰਬਰ ਪੀਸੀਆਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲੱਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ? ਮੈਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੁਨਸੀ ਅੱਡਾ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਰਿਜ਼ਾਇਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚੌਂਕ 'ਚ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਰ, ਕਾਹਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ? ਫਰੂਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। देश दुनिया दीयां ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत, ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो, ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।